हमको ये तलाश मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को, क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो, नौजवानों हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीन यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है। याद रखो मेरी इस बात को आप, कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। अरे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुमने क्या किया। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेता है, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना।